नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो जो रुपयों की तंगी का आप सामना कर रहे हैं, रुपयों की तंगी की वजह से आपको कर्ज करना पड़ता है, कर्ज करना आपकी मजबूरी हो गई है, परिवार चलाने के लिए आपको कर्ज करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करने के बाद आपको जितना धन प्राप्त होना चाहिए, जितने रुपये आपको मिलते हैं उतने रुपये मिलते नहीं हैं। दोस्तों, अगर ये सभी समस्याएं आपके जीवन में है तो ये समस्याएं अवश्य दूर हो जाएगी। भरोसा रखे, विश्वास रखे, श्रद्धा रखे। मैंने मेरे पुराने वीडियोस में आपको एक बात बोली थी कि सुखी जीवन को सुखी कैसे कर सकते हैं, हम जीवन को सुखी कैसे कर सकते हैं। तो सुखी जीवन के लिए धन अति आवश्यक है, रुपये अति आवश्यक है। रुपये प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी भाग्य का साथ अति आवश्यक है। लगातार मेहनत करते हैं मगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य के साथ में कुछ ग्रहों की शुभता और प्रसन्नता अति आवश्यक है और कुछ आपके अच्छे कर्म। तो आज जो उपाय शेयर करता हूं दोस्तों, आप एक अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, कुछ ग्रहों को आप संतुलित करने जा रहे हैं, कुछ ग्रहों की शुभता और प्रसन्नता आपके ऊपर अवश्य बनेगी। साथ में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनेगी। आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी में आपको रुचि है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम, उसे लिखे। छोटी रिक्वेस्ट मैं हर दिन करता हूँ, कुछ भाई बहनों को जय श्री राम लिखने में भी कमेंट में पढ़ता हूँ, तो कुछ भाई बहन जय श्री राम लिखने में भी बोलते हैं कि आप प्रेशर करते हैं, जय श्री राम लिखना। प्रेशर नहीं करता हूँ दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपको, अर्ज करता हूँ। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। वीडियो के अंत में कुछ भाई बहनों की कमेंट के जवाब देने हैं मुझे, तो वो जवाब आप सुन के जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप मुझे ये नंबर पे मैसेज करें। छोटी फी पे करनी पड़ेगी आपको, सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करके रख दें। फालतू के कॉल, फालतू के वीडियोस, फालतू के मैसेज मुझे ना भेजिए। ये उपाय करेंगे आप शुक्रवार के दिन। दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ भाई बहनों की कमेंट के जवाब देने हैं मुझे, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। शुक्रवार के दिन से आप ये उपाय चालू करेंगे, कम से कम 6 शुक्रवार तक आप ये उपाय कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं दोस्तों, एक नियम बना ले, धन की समस्या आपकी 7 पीढ़ी तक नहीं आएगी, पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। अगर ये जीवन में एक छोटा नियम बना लेते हैं तो चावल लेने हैं आपको, शुक्रवार के दिन चावल लें, चीनी, सफेद तिल,
सफेद तिल ही लेने हैं, काले तिल लाल तिल ना ले, सफेद तिल, चावल, चीनी, कोकोनट पाउडर, नारियल का छिल, कोकोनट पाउडर, ये सभी चीज सम मात्रा में ले। चीनी थोड़ी ज़्यादा ले, समझो आपने एक मुट्ठी चावल लिया या तो एक कटोरी भर के चावल लिया तो एक कटोरी कोकोनट पाउडर लेंगे, एक कटोरी भरकर सफ़ेद तिल लेंगे और दो तीन कटोरी भर के चीनी लेंगे। चीनी थोड़ी ज़्यादा लेनी है आपको। शुक्र, मंगल, चंद्र, ये तीन ग्रह आपकी जन्म पत्री में चार्ट में ठीक नहीं है तो ये तीनों ग्रहों की शुभता प्रसन्नता आप अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी राशि में है, कोई भी भाव में है, आपकी कोई भी राशि है, वो नहीं देखना है। सभी चीज़ों को पीसकर मिक्सर बना ले, एक डिब्बे में भर के रख दे, डिब्बे में भर के ये मिक्सर रख दे। इतना नहीं पीसना है कि तिल में से तेल निकल जाए, इतना ना पीसे। शुक्रवार के दिन सुबह में स्नान करने के बाद इसमें से थोड़ा जो मिक्सचर बना के आपने डिब्बे में भर के रखा है, थोड़ा एक कटोरी जितना मिक्सचर निकाले, आपके सामने रखे। माता लक्ष्मी की फोटो है आपके घर में, आपके पास, तो माता लक्ष्मी की फोटो के सामने आप बैठ जाए, ये कटोरी रखकर शुद्ध घी का दीपक जलाए। एक मंत्र बोलता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट गिनती नहीं करनी है, वो मंत्र के जप करें। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, श्री ऊपर बिंदी, इससे भी आगे जाना है तो ओम श्रीम 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 नमः, ओम श्रीम 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 नमः, ओम तीन बार श्रीम 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 नमः, कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, जप करें। मिक्सर को जब घर से बाहर जाते हैं आप साथ में ले जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे, कोई भी बड़े पेड़ के नीचे, आपको जहाँ भी चीटियाँ दिखाई दे मिक्सचर को बिखेर दे। बस बहनें भी उपाय कर सकती हैं, भाई भी उपाय कर सकते हैं, पवित्रता का ख्याल रखें, शराब नॉनवेज से दूर रहें, क्योंकि उपाय पवित्र है, सात्विक है। कुछ भाई बहन चैनल पर आकर मुझे कमेंट करते हैं, कुछ उपाय मैंने पहले शेयर किए थे 2-3 दिन पहले कि रसोई घर में कांच के गिलास में शक्कर हल्दी और चावल भर के ईशान कोण में, ईस्ट वाले कोने में आप रख दो। तो कुछ भाई बहन ने कमेंट में मुझे पूछा था कि ये उपाय आप करते हैं, आप करोड़पति बन गए। कुछ बहनें ने भी उपाय ये कमेंट की थी। दोस्तों एक छोटी बात आपको बता दूं, डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, हमारे जीवन में भी समस्याएं आ सकती है, हमें भी कुछ उपाय करने पड़ते हैं। मैंने मेरे एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं हमेशा हल्दी की गांठ मेरे गले में पहन कर रखता हूँ और रात सोने जाता हूँ तब इस वो हल्दी की गांठ को मैं मेरे तकिए के नीचे रख देता हूँ, क्योंकि मेरी जन्म पत्री में बृहस्पति ठीक नहीं है, धागा टूट गया है। आपको बता दूँ हल्दी की गांठ को मैं जेब में रखता हूँ, इस हल्दी की गांठ को मेरी जेब में हमेशा रखता हूँ, धागा टूट गया है, नया धागा जब अगला गुरुवार आएगा तब बांधूंगा, गले में पहन लूँगा, मगर अभी जेब में रखता हूँ। दूसरी बात, कुछ कमेंट करते हैं आप करोड़पति बन गए, करोड़पति नहीं हूँ, रोड़पति भी नहीं हूँ और करोड़पति से कम भी नहीं हूँ। एक भाई ने तो वहाँ तक कमेंट की थी
कि आपके बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए हमें, आपका बंगलोस दिखाइए, कैसा बंगला है आपका, आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी दिखाइए। अवश्य दिखाऊंगा मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये सभी आने वाले वीडियोस में आपको अवश्य दिखाऊंगा। एक और खुशखबरी दे दूं दोस्तों, मेरा नया मकान बन रहा है दूसरा, वहाँ आपको लोकेशन भी अलग मिलेगा वीडियो का, मेरा स्टूडियो भी अलग मिलेगा। ये जो मकान में रहता हूँ यहाँ से थोड़े दूर खुले में नया मकान बना रहा हूँ, अभी मकान का काम चालू है। जो वीडियो शेयर करता हूँ वो वीडियो सब मैंने बना के रखे हैं। आजकल मैं राजस्थान में आया हूँ, राजस्थान पत्थर लेने के लिए आया हूँ। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।